नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। डूबते हुए पाकिस्तान को अपना गुजर बसर करने के लिए तिनके की तरह जो आखिरी आशा थी, अब वो भी खत्म हो चुकी है। 70 साल पुराने मामले में भारत की जीत हुई है। लंदन में चल रहा यह केस, जिसमें लंदन कोर्ट ने भारत का साथ दिया है, जिससे यह साफ होता है कि निजाम के पैसों पर भारत का ही अधिकार है। आपको बता दें कि हैदराबाद निजाम ने भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान अरबों रुपए पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह के खाते में जमा किए थे। यह रकम लंदन की नेटवेस्ट बैंक में जमा की गई थी। 1948 में जो रुपए जमा करवाए गए थे, आज उनकी कीमत 3,08,40,00,000 रुपए हो चुकी है। इन रुपयों पर दोनों ही देश अपना हक जमाते हुए आए हैं। लेकिन सच बदला तो नहीं जा सकता, और सच यही है कि हैदराबाद के निजाम उस वक्त के सबसे अमीर लोगों में से थे, जिनके पास भारत सरकार से भी ज्यादा पैसा था। निजाम अपना यह पैसा लंदन के बैंक में जमा करवाया करते थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने इन पैसों पर अपनी नजरें जमा ली थी। अपनी गरीबी हालत को सुधारने के लिए ना जाने कितने सपने देख चुके होंगे इमरान खान, लेकिन आज उनका यह सपना यूके कोर्ट ने तोड़ दिया। रिपोर्ट अखबार जगत।